चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। देखो तुम नाराज मत हो, मैं हर वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। देखो जानू, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, मैंने अपना बिजनेस बहुत फैलाया हुआ है। अरे अकेला आदमी हूँ, क्या करूँ, खुद को बिजी रखना पड़ता है ना यार। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें यार। नाराज क्यों हो रही है यार? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो ना। किससे बात कर रहे थे नबी? मैं वो एक दोस्त से बात कर रहा था। कौन दोस्त है? मेरी भी तो बात करवाओ सर। नहीं जानू। हाँ जानू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम उससे जानू कह रहे थे? नहीं नहीं जानू तो मैं तुम्हें तुम्हें कह रहा था ना। नबील झूठ ना बोलो, सच सच बताओ किससे बात कर रहे थे? अपने दोस्त से। तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? जानू ऐसे ही ना लफंगा किस्म का आदमी है, तुम बात करती तो हो सकता तुमसे कुछ जोर बंद कर देता और मुझे बुरा लगता ना। अच्छा जरा फोन दिखाना अपना, मैं भी तो चेक करूं किस लफंगे दोस्त से बात कर रहे थे तुम। जानू तुम मुझ पे शक कर रही हो? खूबसूरत तुम मुझ पे शक कर रही हो? लोग मेरी शराफत की मिसालें देते हैं खूबसूरत, तुमने ऐसा किया, इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, आसमान क्यों नहीं गिर गया, जमीन क्यों नहीं फट गई, तुमने मुझ पे शक किया, मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ओए तूने मुझे बाजी बोला? बाजी नहीं बाजी बोला। ओए मेरा नाम बाजी नहीं है। हमको पता है तुम्हारा नाम बाजी नहीं है। ना तुझे मेरा नाम कैसे पता? लो हमको तुम्हारा नाम कैसे पता चलेगा, हमको नहीं पता। लेकिन अभी तो तूने बोला है कि तुझे पता है कि मेरा नाम बाजी नहीं है। ओ यार बाजी कोई नाम थोड़ी होता है। चुप, क्यों नहीं होता, मेरी माँ का नाम था बल्कि इस बाजी। वो खुदा है हमको माफ करो बाजी, हमसे गलती हो गया। ना तू है कौन? हम तोप खाने तोप। ना मुँह तेरा गुलेल जैसा है तो नाम तूने तोप रखा हुआ। ये नाम हमने नहीं रखा है। फिर किसने रखा है? हमारे अब्बा ने रखा था। ना तेरे अब्बे का नाम क्या था? बंदूक खान। शाबाश। वो बाजी ये सब छोड़ो, हम बहुत सारा सामान लाए आपके वास्ते। थैंक यू मेरे भाई, ला दे मुझे। वो हम तोहफे में नहीं देगा। फिर हम बेचने आए सामान। क्या क्या सामान है बाजी? बर्तन है, पंखे है, स्त्री है, जूते है, शीशा है। ये सब तो हमारे पास भी है, कुछ ऐसा बता जो हमारे पास ना हो। मुझे वो तो मैं थ्रेडिंग करती हूँ, मना तो इससे बड़ी मुझे मेरी। वो खैर चल यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दफो। भाई ऐसा जुलम मत करो, हमारा सुबह से कोई बिगड़ी नहीं हुआ, हमारा छोटा छोटा बच्चा आपको बहुत दुआएं देगा, कुछ तो ले लो। चल फिर पंखा दे दे। ओ बाजी पंखा तो खराब है, तुम कुछ और ले लो। स्त्री दे दे। वो बाजी स्त्री? स्त्री तो गर्म नहीं होता है, वो तुम्हारा किस काम का है? वो तेरे पास काम की चीज है क्या? हमारे पास एक आईना है, बड़े कमाल का आईना है, वो ले लो। इसमें मैं ज्यादा प्यारी लगूंगी क्या? ऐसा वैसा ये सब कुछ सच सच बताता है। हैं? हाँ बाजी, ये हमने हुमायूं महबूब नहीं है, वो उसके घर से खरीदा था। विश्वावश। चल फिर बता कितने का है ये? बाजी तुम्हारे लिए सिर्फ 3 लाख रुपए का। भाई तेरा दिमाग खराब है, 3 लाख में तो मैं नवा मुंह लगवा लूं। चल दफा हो जाए इधर से। वो बाजी नाराज क्यों होता है, तुम 300 रुपए दे दो यार। विश्वावश ले फिर, 300 रुपए मैं तुझे देती हूँ। वाह 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 वाह, ये ले ये आ गए 300 रुपए। निकाल निकाल शीशा, शाबाश। ये ले ले बाजी, ये लो। आप भी क्या याद रखेगा, ऐसा चीज ये ऐश करो, ऐश जादुई शीशा, जादुई। तुम दरवाजे पे क्या कर रही थी? मैं दरवाजा खोल रही थी। तुम बाहर थी क्या? नहीं जी, मैं अंदर से दरवाजा खोल रही थी। अरे मेरा मतलब है कि बेल बजी थी, बाहर आया कौन था? कोई पठान आया था सामान बेचने के लिए। तुम कौन सा सामान बेच रही हो भाई? नहीं नहीं मैं नहीं बेच रही थी, वो बेच रहा था। तुमने उससे कुछ खरीदा तो नहीं ना? मैंने उससे ये हुक्का खरीदा है बच्चू। अरे ये हुक्का नहीं शीशा है। हाँ हाँ वही,
वो भी सिर्फ 300 रुपये का। तुमने 300 रुपये में शीशा खरीद लिया? अरे घर में कौन से शीशों की कमी है? वो कह रहा था कि ये जादुई शीशा है, जादुई। अरे कैसा जादुई शीशा? ऐसा शीशा तो दरख्त के नीचे बैठे ना ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ धोती है मोमो, हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, ऊपर से तुम ये उल्टी सीधी चीजें खरीद रही हो। जब देखो मुझे डांटते रहते। मसूद, क्या हुआ? ये शीशा बातें भी करता है। हाँ मैंने कहा था ना कि ये जादू का शीशा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोमो, आईना कैसे बातें कर सकता है? ये देखिए इसके भी होंठ हिल रहे हैं और ये वही कह रहा है जो मैं कह रही हूँ। अरे मोमो तुम भी कमाल करती हो भाई, इसमें तुम्हारा मुंह नजर आ रहा है। हाँ धोती है भाई। क्या कर रहा है? उठ। ये आवाज कहां से आई? यहां से। मुझे लगता है मेरे कान बज रहे हैं। मोटे, ओए मोटे। ये मोटा किसने कहा है मुझे? मैंने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जादुई शीशा। अलादीन के चिराग ने ना इस घर में आग लगा देनी है। खूबसूरत ने अपने पापा को फोन कर दिया और वो वकील के थ्रू मुझे नोटिस भेज रहे हैं। अरे तो आप भुक दो ना, ऐसे काम करते ही क्यों हो? तो यार महमूद साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे, ये आईना हम सबको मरवा देगा। अबे चलो निकलो यहाँ से, चलो प्यारे आईने। अबे सोने दे यार, एक मरतबा मेरे बारे में बता दे फिर बेशक आराम से सो जाना। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। बहुत जल्द तू दूसरी शादी कर लेगा। क्या पक्की बात है ना? हाँ हाँ। थैंक यू। बस ध्यान रहे कोई मुझे तोड़े ना, वरना मेरी बोली हुई हर बात पलट जाएगी। अरे फिक्र मत कर प्यारे, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। ऐशा वैसे चल मुझे सोने दे। हाँ चला चला चला। नहीं शीशा। हाँ हाँ वही। अब मुझे भी कुछ बताओ ना मेरे बारे में। छोड़ आंटी क्या करोगी? नहीं तुझे मेरी कसम मेरा भाई नहीं है, देख मुझसे अब बहुत वो नहीं हो रहा। अब तुम जिद कर रही हो तो बता देता हूँ, दिल थाम के सुनना। हाय इसका मतलब ये मेरी जिंदगी में कोई सलमान खान आने वाला है? तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। हाँ हाँ तुम मरने वाली हो। क्या हुआ मोमो? मोमो ये तुम रो क्यों रही हो? मैं मरने वाली हूँ शुहूद। हाँ मुझे सूखे ने बताया। इस आईने की ना सारी बातें सच होती है मोमो, अगर इसने बोला है ना कि तुम मरने वाली हो, तुम मरने वाली हो फिर। नहीं।
माँ जी हौसला रखें प्लीज। ओ जानू क्या हो गया तुम्हें यार, माँ जी मरने वाली और तुम कह रही हो हौसला रखे। ओ खुदा का वास्ता यार माँ जी, आप रोना चुके रहे। नबील तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, बजाय माँ जी को हौसला देने की और रुला रहे हो। ओ जानू मैं अपनी माँ को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता यार। फजूल की बातें मत करो नबील, बस उस आईने ने बोल दिया तो माँ जी वाकई मर जाएंगी। अच्छा जब आईने ने ये कहा था कि मेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है तो उस वक्त तो तुमने फौरन यकीन कर लिया था, अपने पापा से शिकायत भी कर दी मेरी। शराब नबील, माँ जी प्लीज यार, बच्चे इस तरह आपको रोता हुआ देखेंगे तो क्या समझेंगे। क्या समझेंगे मतलब, माँ जी को बच्चों से छुपा के दफनाएंगे क्या? क्या सोना मरने के बाद भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगा? हुए ना अगर ऐसी बातें, खुदा की कसम मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। खुदा का वास्ता नबील तुम तो चुप करो यार, महमूद साहब अच्छा हुआ आप आ गए, प्लीज आप समझाएं माँ जी को। देखो मोमो, एक ना एक दिन तो सबने मर जाना है, अरे इस तरह रोने से क्या फायदा है? अरे रोते हुए तो सब आते हैं दुनिया में, हंसता हुआ जो जाएगा वो ही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। चलो शाबाश मोमो, हंसती हुई जाओ, हंसती हुई। आपको मुझे जरा सी भी मोहब्बत नहीं है शफकत। अरे अगर मोहब्बत ना होती तो तुम्हारे लिए कब्र बुक करवा के आता। क्या? हाँ। महमूद साहब आप माँ जी के लिए कबर बुक कराने गए थे? इसीलिए मैंने पहले ही कबर बुक करवा दी है, कॉर्नर वाली बुक करवाई है तुम्हारे लिए। नहीं, नहीं, नहीं। हाय हाय बेचारी। हेलो, हाँ हाँ हमायूं महबूब भाई, कैसे हैं आप? हाँ आपसे एक छोटा सा काम था, ये बताइए कि कोई आईना बोल सकता है? हैं, दरअसल हमारे पास ना एक जादुई आईना आया है, उसने बताया है कि मोमो मरने वाली है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच मर जाए? तोड़ वोड़ तो बिल्कुल नहीं करवाना, ना 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 भाई, अब जो होना है वो तो होना है, बस मैंने आपसे ना कंफर्म करना था। बहुत शुक्रिया हमायूं महबूब भाई, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। नबील, नबील, महमूद साहब आपको शर्म आनी चाहिए यार, जब से आपने सुना है कि माँ जी मरने वाली है आप इतना खुश घूम रहे हैं यार। अरे मैं इसलिए खुश नहीं घूम रहा कि तुम्हारी माँ मरने वाली है। तो फिर किस लिए खुश घूम रहे हैं आप? अरे मैं इसलिए खुश घूम रहा हूँ कि आईने ने मुझे बताया है कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है। क्या? अरे मैंने तो वो जो रिश्ते करवाने वाली आपा है ना, इरम बिनते शाहिद, उसको तस्वीरें भी भेज दी है। महमूद साहब आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ मरने वाली है और आप अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। भाई बाब, तुम्हारी माँ के मरने के बाद ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं अकेले कैसे गुजारूंगा नबील? मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। वो जो आपको करना पड़ेगा वो कुछ ना कुछ इंतजाम होगा। हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। क्या? हाँ जानू, महमूद साहब ने तो कोई रिश्ते कराने वाली को अपनी तस्वीरें तक भेज दी हैं और वो उनके लिए लड़कियां देख रही है। महमूद साहब ने तो घटियापन की इंतहा कर दी है नबील। हाँ जानू, और तुम सिर्फ मुझे घटिया समझ रही थी, मैं सिर्फ फोन पे बात ही कर रहा था ना, कौन सा ब्याह के घर ले आया था यार उसे। शरफ नबील तुम दोनों ही घटिया हो। मैं अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। जानू मेरी माँ को मरते मरते कोई और दुख ना दो प्लीज। ये छोड़ो नबील, जब माँ जी मर ही रही है तो कम अज कम महमूद साहब को मार कर ही मरे ना। क्या जानू? माँ जी, माँ जी, आप
यहाँ मरने की तैयारी कर रही हैं और आपका मियाँ वहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या जी, उनसे तो आपके मरने तक का सब्र नहीं हो सका, अपने लिए लड़कियाँ देख रहे हैं। गोरी के सर पे सच के चेहरे के धूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे, तुम मिले प्यार मिला रे। देखिए आपने माँ जी, ये आदमी आपकी मौत का जश्न मना रहा है। ओए बशीर! अरे मोमो, तुम अभी तक मरी नहीं। ओए मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी। क्या माँ जी, ये आईना सारे फसाद की जड़ है, तोड़ दे इसे। खबरदार, जो तुमने इस आईने को हाथ लगाया तो। अरे मोमो, अरे मामो, तुमने मेरा जादुई शीशा तोड़ दिया है। जादुई शीशा? हाँ, उसने मुझे बताया था कि तुम मरने वाली हो और फिर मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। ओए तेरी ये जुर्रत, हमेशा बिल्ली को ख्वाब में वही नजर आते हैं। वो क्या? वो जो अब मैं तेरे बना के बिल्लियों को डालने वाली हूँ। क्या है वो? अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।